कॉम्बिनेशन वही है। हाँ, 20 साल में कुछ तब्दीलियाँ आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे में, गायकी में या सोच में या कॉम्पोजिशंस में, सेलेक्शन में, पोइट्री में। जाकिर जी तो इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, मतलब वो कितना जॉनर्स बजाते हैं वो, और इसमें ड्रम्स भी बजाए हैं वो, परकशंस बजाए हैं, ड्रम्स बजाए हैं, तबला। तो रू वही है, प्रेजेंटेशन अलग है। कुछ चीज़ें सोच ही रहे थे, मतलब हाजिर इतना पॉपुलर हो गया था, फिर हम सोच रहे थे कुछ करना है, बट उसमें मसरूफियत जो है, ही सो बिजी, मैं भी कुछ काम में लग गया था। दस एक साल तो सोचा ही नहीं कब करना है, उसके बाद हम धीरे धीरे चर्चा करने लगे अभी करना है करके। कुछ चंद सालों पहले मैं उनका एक सिम्फनी गाया था, उनके लिए सिम्फनी उन्होंने लिखा था, तो वॉशिंगटन में हम रहे साथ में कुछ दिन, तो उस बीच भी हम डिस्कस किए हैं कि करेंगे करके। लास्ट ईयर हमने डिसाइड कर लिया कि ये साल करना है करके, एक साल लगा ये रिकॉर्डिंग में, और मैंने शुरू कर दिया अपना काम, और फिर जाकिर भाई आए हैं और उन्होंने बजाया, गाए नहीं, उन्होंने अरेंजमेंट किए वो ही इज़ इनटू वेस्टर्न म्यूज़िक, तो उन्होंने एक ब्लूजी नंबर है कोई गिला कोई शिकवा, उसमें काम किए हैं, गज़ल को मिक्स करके गाया हूँ मैं, उसमें भी उन्होंने काम किए हैं। दो तीन चार गानों में उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स उन्होंने उसमें, उसको कहते हैं, उन्होंने शामिल किया उसमें, एक समा जो है वो अलग है उसमें। और फिर जॉली जो है मेरे साथ, जो 20 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। हम तो शास्त्रीय संगीत गाते हैं, गज़ल को लेकर हम उस वही इडियम्स गाते हैं जो क्लासिकल में है। रीज़न एक कारण नहीं बता सकता हूँ, मगर हाजिर जब 21 साल पहले रिलीज हुआ था तभी इट वाज वेरी सक्सेसफुल, बहुत पॉपुलर हुआ, और आज तक लोग सुन रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। आपको सीरीज़ भी मिलेंगे और डिजिटल डाउनलोड्स भी हैं उसमें, कि कुछ नई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। वो भी बिज़ी थे, मैं भी अपने काम में बिज़ी रहा। कुछ चंद साल पहले मैंने उनका एक उन्होंने एक सिम्फनी कंपोज किया था, उसमें मैं गाया, तो हम वॉशिंगटन गए थे, दो तीन चार रोज़ साथ में रहे। तो उस वक्त हमने ये डिसाइड किया कि हमें कुछ करना है, और उस वक्त नहीं हो पाया क्योंकि द सेम बिजी। लास्ट ईयर हमने डिसाइड किया कि हम शुरू कर देंगे ये काम, तो एक साल लगा हमें ये बनाने में, और हाजिर तो आपके सामने हाजिर है। रूदारी एक ही है, रू तो एक ही है, क्योंकि मैं भी शामिल हूँ, जाकिर भाई भी शामिल हैं, कंपोजिशंस ऑफकोर्स, और जिस तरह से गायकी का अंदाज़ है वो चेंज हुआ है, उन्होंने उस गायकी को किस तरह से उन्होंने सजाया है अपने पर्कशन में, वो अलग है, साउंड अलग है, और इंस्ट्रूमेंटेशन अलग है इसमें। इसमें जो मेरे साथ जॉली मुखर्जी जो 20 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने अरेंजमेंट किया। मेरा बेटा अक्षय हरिहरन, उसने उन्होंने भी दो गाने अरेंज किया। तो इसमें और 8 गाने जो हैं, वैरायटी है इसमें, कुछ राग पे आधारित है। एक दादरा भी गाया हूँ, मतलब ठुमरी दादरा आप जानते हैं ना, तो दादरा भी गाया हूँ।